हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजय रिया ब्लॉग्स में। दोस्तों आप सभी लोग कैसे, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों और एक नई सुबह की शुरुआत हो गई आज, और कुछ मौसम कुछ इस तरह से है। काफी अभी धूप निकले हैं, बहुत ही कड़ा धूप है। और दिन की बात है, आज हम लोग आ गए हैं अपना काम को यहाँ करने के लिए ये नए घर में। तो चलिए आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं दोस्तों, हम लोग काम हम लोग किस तरह से करते हैं, आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं हम लोग काम कैसे करते हैं। आप सभी को बैक कैमरे से दिखा रहे हैं दोस्तों, स्लिप कर रहा जैसे यहाँ सब, यहाँ टटरा वटरा सब बना हुआ है जैसे आप लोग देख रहे हैं। आज रिया जी को आज मिस्त्री बनाएंगे, है ना, आ जाएगा जी। और इधर इतना इधर मिट्टी का गिलवा इधर साने हुए हैं, एक मिनट से आप लोग को दिखा रहे हैं। इधर मिट्टी का सब गिलवा भी साने हुए हैं, तालाब से पानी लाया बाल्टी बाल्टी से। और आप सभी को बैक कैमरे से दिखा रहे हैं दोस्तों अच्छी तरह से, यहाँ बना लिए हैं गिलुआ, यहाँ काट काट करके पानी डाल दिए इसमें। इधर आइएगा तब ना, इधर से घूम करके आइए। अरे रिया जी उधर गए सब, पानी हम लोग ले आए हैं घर के रखे हुए पानी। और ये कटरा ही बना हुआ है, आप दीजिए मिट्टी, कम कम मिट्टी पकड़ी पकड़ाई हम ऊपर कर रहे हैं सब। तो मिट्टी यहाँ बना हुआ साइड में, दीजिए हम भर के दे रहे हैं आप, अच्छे से दीजिए। ये रहा करनी, किधर से किधर से मेरा पैर घुस रहा है अंदर। इधर सीटा पकड़िए, पकड़ाइए इधर से आइए, इधर से घूम करके। अब रिया जी इधर ईटा पकड़ाएंगे हमको, ऐसे दीवार को हम लोग बनाते हैं। मिट्टी अच्छे से पका दीजिए, उसके बाद हम ईटा पका रहे हैं। ईटा धागा को लाइनिंग करना पड़ता ताकि दीवार अच्छे से बन सके, इसीलिए इसको लाइनिंग कर देते हैं। इधर उधर नहीं, और मिट्टी चाहिए। हाँ यार जी इधर मसाला दे रहे हैं, मिट्टी का मसाला भर करके। और इसी काम को करते हैं दोस्तों हम लोग, टुकड़े बाद बनाए टुकड़ा। तो दोस्तों अभी जा करके ये दीवार को पूरी कर पाए हैं, जैसे ये दीवार देख रहे हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन इस दीवार के पीछे हम लोग के लगे 5 घंटा, पूरा पूरी 5 घंटा लग गए। हम लोग आए थे यहाँ 7 बजे सुबह, और अभी 12 से पार होने चले, 12:30 बजे चले, और ये जा करके पूरा क्लियर हो गया। और जी खाना इधर इधर खाना सब, खाना हम लोग सब खाना वाना सब लेकर के इधर आए हुए हैं, सब इधर रखा हुआ हम लोग का। और देखिए दोस्तों मिठू कहाँ बैठा हुआ है, आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। मिठू अरे मिठू मिठू, अरे इसको नीचे तना रख दिया, छांव में कर दीजिए सब, छांव में कर दीजिए। हाँ छांव किधर, उधर साइड करके सब। हम लोग खाना खाना में सब धूप आ गया हम लोगों का, इधर रख देते। हाँ कहीं पर रख दीजिए। और दोस्तों अब वो जो टटरा है, जो पटरा हम लोग कहते हैं, जो बांस का जो हम लोग दिए हुए हैं, उसको फटाफट हम लोग दोनों को मिल करके खोल लेते हैं ताकि जल्दी से हो सके। हाँ, और वो दीवार को भी आप जोड़ेंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जोड़े हुए हैं और थोड़ा सा बाकी है। चलिए जी, हाँ तो पटरा भी खोल लिया दोस्तों, पटरा उस साइड में रख दिया खोल करके, खोल के से इधर रखा हुआ था ये साइड में, अब यही दीवार को हम लोग जोड़े हैं। अब बस इसको जोड़ना है, आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं ये वाला दीवार को, इसको जोड़े हैं और इसको भी जोड़े हैं, बस थोड़ा सा बाकी है उसके लेवल पे। इस चीज़ को करना है दीवार को, उस दीवार के लेवल में। हाँ कल हम लोग सब कर रखे थे, पटरा उटरा जितना भी हम लोग का यहाँ लगाना थे सब लगा लिए थे, काली करके फिनिश करके रखे थे।
और ये दीवार को हम लोग शाम होते होते कंप्लीट कर देंगे, ये वाला को। हाँ, फिर शाम को भी काम, शाम होते होते कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी 12:30 से पार होने चला दोस्तों, और हम लोग भी खाना उना खा लेंगे। क्यों करना आज? नहीं अभी छोड़ देते हैं काम। और धूप भी काफी हो गया, बहुत तेज धूप है। किससे पानी ला करके डाल दें दो बार ताकि सूखे ना? ये पानी है इसमें डाल दीजिए, यही वाला डाल दीजिए ना, फिर शाम को फिर डालना ही पड़ेंगे इसमें पानी। ये वाला पानी डाल रहे हैं गिलवा में ताकि सूखेगा नहीं। पानी इसी को डाल दीजिए, ऊपर को डाल दीजिए। धूप तो बहुत कड़ा है आज, बहुत कड़ा धूप है इधर हमारे इधर। तबियत भी मेरे अभी सही नहीं लग रहे हैं अभी दो दिन से। अभी छोड़ दीजिए ना, चलिए फ्रेश हो लेते हैं, पैर हाथ धो लेते हैं पूरा, और हम लोग भी खाना उना खा लेते हैं। काफी वक्त होने चले, दोपहर के अब 1 बजने ही वाला है। मिठू को उठाइए, और सब इधर रखा हुआ हम लोग का सामान उमान, मिठू का चना भी यहीं रखा हुआ है, सब लोग देख पा रहे हैं। लाइए मिठू को दीजिए हमको, काफी चल रहे मिठुआ खाना खाएंगे। चलो चलो दे दीजिए, अपना उठाइए। तो दोस्तों लोग यहाँ पहुँच गए हैं तालाब के सामने, तो यहाँ रख दे रहे हैं, छाँव यहाँ रखिए जी अपना। सब उन लोग का खाना उना प्रात में ले आए हैं, क्योंकि फिर घर जाओ, घर से आओ, फिर सब लेकर के आए हैं। चलिए पैर हाथ धो लेते हैं सबको। हाँ चलिए फटाफट पैर हाथ धो लेते हैं तालाब के पानी में। चलिए उठाइए, अच्छी तरह से फ्रेश हो गए हैं, धो धा लिए हैं मुँह कान तालाब से। अभी अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हम पानी पकड़ ले रहे हैं। और इधर बहुत ही घना छाव है दोस्तों, बहुत घना छाव है इधर, इतने सारे इधर पेड़ है ना, बहुत ही इधर पेड़ है, इधर महुए के पेड़ हैं, इधर ही खा लेंगे कहीं बैठ करके, इतना सारे इधर छाव है, महुआ ही महुआ है। और यही घर में सांप घुसा था दोस्तों, जिससे कि उस दिन जो रेस्क्यू किया था ना सांप, यही घर में घुसा था ना जी, कितना खतरनाक सांप था, बहुत खतरनाक। जैसे गांव के लोगों को थोड़ा थोड़ा सब चीज़ आता है, इसीलिए हम उसको रेस्क्यू कर देते छोड़ करके, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग ये किए हुए हैं। इधर तो बहुत अच्छा छाव है, तो चलिए हम लोग यहीं बैठ कर खा लेते हैं। बहुत ही अच्छा घना छाव है दोस्तों, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, रखिए अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत घना छाव है। हाँ खाना परोसिए जी जल्दी से, महुआ का छाव है, कितना ही प्यारा, हवा चल रहे हैं अभी, और देखिए इधर एक बड़ा सा पहाड़ है, और मतलब व्यू भी काफ़ी प्यारा है दोस्तों। और इधर कुछ कुछ गाय ये सब इधर खूंटे हुए हैं, बांधा हुआ खूंटे से छाँव में, और रियाज इधर खाना परोस रहे हैं, इधर हम खाना लगा रहे हैं। और क्योंकि मेरा जीप थोड़ा सा खराब है ना, इसीलिए हम लोग अभी मार भाग के चलेगा अभी। चलिए जल्दी जल्दी खाना लगाइए, और मिठू का इधर चना आ जाओ, मिठुआ ले रे खाना खाओ, मिठुआ आओ मिठुआ, ए रे आओ जाओ जाओ जाओ, मिठू तुरंत आ जाता, आ ले खाना खाओ। अरे आपको निकाल देते हैं खाना, मिठू के लिए भी खाना दे दिए, मिठू भी अपना खाना खाएगा, हम लोग भी अपना खाना खाएंगे दोस्तों। रियाजी खाना परोस रहे हैं, मार भात है और आलू का सब्जी, आलू का सब्जी, लेकिन हम नहीं खाएंगे, मेरा जीप थोड़ा सा खराब है, वो उसको क्या कहते हैं ना, बस करिए। और क्या कर दीजिए ना, और देखिए दोस्तों हमारे घर के सामने रेल पटरी है, और वो रेल गुजरा हुआ, रेल का रेल लाइन हमारे घर के सामने से गया है, तो ट्रेन भी जा रहे हैं, ये मालगाड़ी है। नमक दे दीजिए, नमक हम दे देंगे क्या, अपने से दे दीजिए ना। और देखिए मिठू भी कितना अच्छा से खा रहा है, इसको भी खाना दे दिए हैं, चना चना मिठू खा रहा, देखिए प्याज काट दें, हाँ प्याज काट दीजिए। और खास कर गाँव में तो कुछ अलग ही मजा आता है, अभी पेड़ों के छाँव में बहुत ही अच्छा, इस पेड़ के मतलब छाँव के सामने ना एसी कूलर सब फेल है, इतना सुकून, ठंडा ठंडा हवा बहते है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इधर मिठू भी खा रहे हैं, हम लोग का घर उस जगह है दोस्तों, ये घर के सामने में ही हम लोग घर जो है सामने में ही है, और इधर का नजारा भी काफी मतलब की प्यारा, हम लोग को तो काफी प्यारा लगता है। और आप सभी लोगों को कैसे लगेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, खुला ही खुला एरिया चारों तरफ, सब महुआ का पेड़ ही है। तो हम लोग खाना उना निकाल लिए पूरी अच्छी तरह से, रिया जी का भी मार भात है, मेरे भी मार भात है, लेकिन इनका आलू का सब्जी है, और मेरा बस प्याज है, क्योंकि मेरा मुंह अभी थोड़ा सा लाल हो गया है,
धूप के कारण मेरा मुंह में उसको क्या कहते हैं छाला हो गया मेरा मुंह में, इसीलिए हम खा नहीं पाते सब्जी उब्जी। कुछ भी सब्जी खाते हैं बहुत ही तीखा लगता है दोस्तों। और इधर मिट्ठू भी अपना भोजन कर रहा है, चना का भोजन देखिए अपना चना इधर। हाँ, और बात रही चांदनी, तो चांदनी अभी घर में उसको छोड़ दें क्योंकि काफ़ी तेज धूप है ना, इसलिए उसको लेकर के नहीं आए हैं और बाहर बहुत। हाँ, और उसका भी अभी कल थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था, इसलिए घर में उसको छोड़ दें अभी। तो चलिए हम लोग खाना वाना खा लेते हैं फटाफट। और रिया जी सब्जी अच्छा रंचूछे खा रहे हैं जी, ऐसे तो तीखा नहीं आपको बोल रहे हैं खाने के लिए। नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा मेरा, खा नहीं पाएंगे। प्याज ले आए हैं इनके लिए, प्याज के साथ ही खा रहे हैं। ऐसे हम तीखा नहीं डालते हैं अपना। तो चलिए हम लोग फटाफट खाना खा लेते हैं दोस्तों। और हवा तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। पेड़ के नीचे में जो सुकून मिलता है ना, ताजगी ताजगी हवा, वो सब ऐसे सब कूलर फेल है, शुद्ध हवा है अपन। बहुत ही अच्छा। और गांव का जिंदगी से बहुत नॉर्मल और बहुत ही सरल जिंदगी होता है। हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग को देख करके इधर मुर्गियां भी आ गए, और हम लोग भोजन कर रहे हैं, उन लोग ना करें अच्छी बात नहीं है, इसलिए उन लोग को भी खिला दे रहे हैं मुर्गी को। उन लोग को भी दे दिए, देखिए कैसे खा रहा अभी मुर्गियाँ, कितने सारे मुर्गियाँ आ गए खाने के लिए देखिए। और कितने सारे मुर्गी आ रहे देखिए खाने के लिए ना, खाने के लिए हम लोग भी खा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग खाना वाना खा लिए पूरी अच्छी तरह से, और यहाँ इधर थाली के इधर बर्तन मांज रहे, साफ कर रहे हैं थाली को, मांज रहे हैं। और अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद फिर हम लोग काम पे लगेंगे 2:30 बजे, क्योंकि आप लोग देखते होंगे 2 मिनट का वीडियो, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा मेहनत रहता है दोस्तों, दिन भर का मेहनत रहता है। आज तो 5 घंटा लगे, और अभी मिस्त्री अगर लगाए हुए रहते ना, तो इतना सा घर बनाने के लिए लोग मात्र 5 दिन में कंप्लीट हो जाता, पूरा कंप्लीट 5 दिन में, उससे भी कम। लेकिन अभी हम लोग अपने से मेहनत कर रहे, इसीलिए अभी 2 सप्ताह से ऊपर लगे काम को करते हुए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत हमें अभी आप लोगों की अभी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, खुश रहे, खुशियाँ बांटे, बाय बाय दोस्तों। और मिठू भी इधर चना खा ही रहा है, मिठू के लिए भी लाइक कर दिए दोस्तों, बाय बाय।